हॉलीवुड एक्टर विन डीजल के एक्स असिस्टेंट एस्था जोनासन ने उन पर रिसेंटली सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए। एस्था जोनासन का ये कहना है कि घटना 13 साल पहले की है, यानी कि 2010 में जब विन डीजल की फिल्म फास्ट फाइव की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त अटलांटा के एक होटल सेंट रिजिस में विन डीजल ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके अगले ही दिन मिस जोनासन को काम से निकाल दिया गया। मिस जोनासन ने ना ही सिर्फ विन डीजल बल्कि उनकी बहन और उनके प्रोडक्शन हाउस पर भी एलिगेशंस लगाए, पर विन डीजल ने ये सारे एलिगेशंस डिनाई किए हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि एस्था जोनासन ने 13 साल बाद ये एलिगेशंस क्यों लगाए। वो उस वक्त कहाँ थी जब उनके साथ गलत हो रहा था या गलत हुआ था। 2017 में #MeToo के ट्रेंड होने के बाद कई सारी महिलाओं ने कई सारे पुरुषों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप जैसे एलिगेशंस लगाए। ये एलिगेशंस स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस और टॉप डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पर लगाए गए थे। अब इनमें से कुछ एलिगेशंस ऐसे होते हैं जहां विक्टिम्स ये क्लेम करती है कि उनके साथ वो इंसिडेंट सालों पहले घटी थी। ऐसे में इन एलिगेशंस का सच या झूठ प्रूव होना मुश्किल हो जाता है और इस प्रोसेस में सालों साल लग जाते हैं। अब एलिगेशंस लगाने वाली महिला का तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन जिस पुरुष पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फॉल्स एलिगेशंस हम तभी रोक सकते हैं जब हर देश में ऐसे कानून बने कि फॉल्स एक्यूज करने वाले को पनिशमेंट मिले। जब तक ऐसे कानून नहीं बन जाते हैं, फॉल्स एलिगेशंस को रोकना नामुमकिन के बराबर है। अब आप सबका इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।